रेड कलर दिखा रहा है, मैं वहां से समझ गया। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग वाले भी कवर हो जाए। तो आज हम सूत्र संख्या 35 से शुरू करने जा रहे हैं और सिस्टमेटिकली हमने 34 तक पढ़ लिया, वितर्क हिंसा अध्याय तक। तो 35 में अहिंसा को एक्सप्लेन किया गया है। अहिंसा को डिफाइन नहीं किया गया, उसको अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ दिया गया, लेकिन जो अहिंसा कर लेगा साधक करने। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, किसी को नहीं आ रही क्या? अब आ रही है भैया, पहले नहीं आ रही थी, ब्रेक हो रही है। ओके जी, मैं नेटवर्क बदल लेता हूँ, शायद वाईफाई में दिक्कत हो जाती है कभी। अभी सर ठीक होगा नेटवर्क, है ना? तो जैसे हमारे श्वेतांबर लोग होते हैं जैनिज्म में, बुद्धिज्म में होते हैं, अहिंसा के बहुत ज्यादा फॉलोवर होते हैं। लोग उनको मार दे काट दे उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हिंसा नहीं करते। हिंसा मतलब उनके द्वारा किसी भी का भी अहित वो नहीं करते, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ उवैयार वैर त्याग। जैसे एक महात्मा बुद्ध की एक स्टोरी है, अंगुली मार डाकू की, याद होगा आप लोगों को, सुनी होगी। यस सर, यहां से आपको वो चीज पता चल जाएगी, मतलब कि एक ओरा होता है ना, कि कोई आदमी जैसा हो, जिस तरीके का वातावरण होता है, यानी कि वो आदमी जैसा होता है उसके आसपास उसी तरीके का वातावरण डेवलप हो जाता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध जी बहुत ही ज्ञानी, अहिंसा के पुजारी, उनको कोई कुछ भी बोल देता उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको जो चीज लेनी होती उसको लेता, जो बुरे शब्द होते थे वो उनको लेते ही नहीं थे, छोड़ देते थे। तो एक जंगल में वो जा रहे थे, तो जंगल में उनके भक्तों ने बोला कि यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे एक डाकू रहता है, और वो डाकू जो भी जाता है उसकी उंगलियों को काट देता है और अपने गले में लटका लेता है, इसलिए उस डाकू का नाम भी उंगली मार डाकू पड़ गया। सभी लोग उस जंगल के उस रास्ते से जाने से डरते थे, कहीं वो डाकू आ जाए और उनकी उंगलियां ना काट ले। तो महात्मा बुद्ध जी ने कोई परवाह नहीं किया, चलो चलते हैं, अपने जो योगी होता है अपना साधु होता है वैसे ही होते हैं, हटी होते हैं, निकल गए। और आ गया वो डाकू सामने, और उनके ओरे का इतना इफेक्ट था महात्मा बुद्ध के, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने आज तक कभी अहिंसा नहीं की, किसी का भी नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया। तो वो जो डाकू मार था, उंगली डाकू मार डाकू, वो भी नतमस्तक हो गया, उनके ओरे का इतना ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने एक ही शब्द पूछा, बोला डाकू को, आया जब सामने, ठीक आप मुझे मारोगे, ठीक है मार लेना, एक काम करो, उनके एक ही शब्द थे कि पेड़ से एक पत्ता तोड़ के लाओ, और इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तोड़ के ले आता हूँ। तो गया, पेड़ से पत्ता तोड़ के लाया, ले लो, मैंने पत्ता तोड़ दिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब फिर महात्मा बुद्ध जी बोले, रुको रुको रुको, इस पत्ते को वापस लगा दो, फिर मुझे मार देना। तो एक छोटी सी ये बात उंगली मार को चुभ गई, बहुत गहरी अंदर तक लग गई। ऐसा भी कभी होता है क्या, कोई चीज टूटने के बाद भी वापस लगती है क्या? तो वहां पे जो महात्मा बुद्ध जी ने जो उनको ज्ञान दिया कि आप जो ये बुरे कर्म कर रहे हो ये भोगने आपको ही पड़ेंगे, आप किसी की जान ले दे नहीं सकते, तो किसी की जान लो भी मत। उनके ये दो शब्द थे, और उन दो शब्दों ने उंगली मार डाकू की पूरा जीवन ही बदल दिया। सबसे बड़ा भक्त बन गया, सबसे ज्यादा फॉलोवर बन गया महात्मा बुद्ध का। तो ये है अहिंसा का फल। और भी बहुत सारे कई कहानियों में मिलता है हमें कि बहुत जो महान महान ऋषि रहते हैं, उनके आश्रम में शेर भी उसी आश्रम में आके पानी पी रहा है उस जलाशय से,
और हिरन भी वहीं आकर के पानी पी रहा है। मतलब कि हिरन और शेर दोनों एक दूसरे के दुश्मन। शेर को देख के हिरन भाग जाए और हिरन को देखते ही शेर उसको मार दे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना। यानी कि एक अहिंसा भरी हुई है, एक हिरन के अंदर डर भरा हुआ है और शेर पूरा का पूरा हिंसक प्राणी है। लेकिन उस आश्रम में जब वो दोनों आए, वो भी हिंसा करनी भूल गए कि ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसको मारना है, इसको नहीं मारना। तो ये जो प्रभाव होता है, ये अहिंसा का फल है, और यही फल यहाँ पे इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जो अहिंसा की दृढ़ स्थिति को पार कर जाने पर, जो भी मैंने महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया, उस ऋषि का उदाहरण दिया उसके आश्रम में, जहां शेर और बकरी या हिरन जो है एक साथ पानी पी रहे हैं एक जगह पे और एक दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे। तत्स निदो, उस योगी के निकट में आसपास जो भी होगा, वैर त्याग है, सभी प्राणी आपस में द्वेष भावना भूल जाएंगे। यह होता है जिसने अहिंसा को पा लिया, वास्तव में अहिंसा को जिसने सिद्ध कर लिया, ये सिद्धि है उस योगी की। आपने भी कई जगह देखा होगा, कुछ लोगों के संपर्क में जाते हो आपको नेचुरली गुस्सा आने लग जाता है, और कुछ लोग जब आपके सामने बात करते हैं, बैठते हैं, आप कितना रिलैक्स फील करते हो। ऐसा आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फील किया होगा इस चीज को। तो ये छोटी छोटी ये सिद्धियां होती हैं, सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ओरा होता है और उस ओरे का इफेक्ट है। और यहाँ पे ये अहिंसा का जो ओरा है उसको यहाँ पे बताया गया है इनडायरेक्टली। ठीक है, इसके आगे सेकंड हमारा आता है सत्य, 36। इसको मैं आपको बहुत सारे इसके तो बहुत एग्जांपल्स हैं। जैसे कि वरदान दे देना, पहले के ऋषि महात्मा बोल देते थे तथास्तु, और वैसा ही हो जाता था। बोल देते थे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू बंदर बन जा, तू गधा बन जा, तू कुछ भी हो जा, और उनकी बातें सच हो जाती थी। ऐसा क्यों, कभी सोचा ये कहानियां कैसे बनी, इनकी क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है इन चीजों की, और वो चीज हमें यहाँ पे सत्य में मिलेगी। यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि जो सत्यवादी जो व्यक्ति होगा, जिसने सदा सत्य बोला, वो व्यक्ति कुछ भी वचनों को बोल दे वैसा ही हो जाता है। पढ़ते हैं इस सूत्र को, फिर आपको ये चीजें समझ आएगी। सत्य प्रतिष्ठायाम, जिसने सत्य की दृढ़ स्थिति को पा लिया, जिस भी व्यक्ति ने, गांधारी थी दुर्योधन की माँ, महादेव की भक्त थी वो, शिव जी की भक्त थी, उसने भी सदा सत्य का पालन किया, और आपको पता होगा उसने किसको श्राप दिया, कृष्ण जी गांधारी को, ने कृष्ण जी कृष्ण जी को श्राप को, दिया, ठीक और वो श्राप उसको लगा भी, कृष्ण को पूरी द्वारका नगरी नष्ट हो गई। आपस में ही उसने बोला कि जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़के मरे हैं, तुम्हारा परिवार भी इसी प्रकार नष्ट हो जाए, कृष्ण को श्राप दिया। और ऐसा ही हुआ द्वारका में, कृष्ण का अपना बेटा श्याम ही, जैसे दुर्योधन था बुरी प्रवृत्ति का, नशे का आदि, इस तरीके का था, और वो आपस में ही लड़ बैठे और उसी तरीके से पूरी द्वारका नगरी का नाश हुआ। यहाँ पे मैं गांधारी का उदाहरण दिया कि जो सत्य का, सदा सत्य का जो फॉलोवर रहा है, वो जैसे शब्दों को मतलब बोलेगा वैसा ही सच हो जाता है। ठीक है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रित्वम, जो भी बोल दे वैसा ही हो जाएगा अगर वो सत्यवादी है तो। आजकल तो जाते हैं लोग, 100 गाली देते हैं, 100 वरदान देते हैं, ना गाली का असर होता है ना वरदान का असर होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही शुद्ध नहीं है, तो उनकी गाली का भी कोई फर्क नहीं है, उनका दुआ का बद्दुआ का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दुआ बद्दुआ उन लोगों की जरूर लगती है जो सत्यवादी होते हैं,
उन लोगों की दुआ बहुत काम की होती है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलासत्तम, ये सूत्र हमें बता रहा है। इसलिए बोलते हैं किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर वो बद्दुआ देने वाला सत्यवादी है, उसने आपको बद्दुआ दे दी, जरूर वो सिद्ध होगी। इसलिए ये बातें बोली जाती है कि बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, खासकर गरीब लोगों की। और वो ज्यादातर जो गरीब लोग होते हैं सत्यवादी होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि गरीबों को सताना नहीं चाहिए, उनकी हाय लगती है, ये रीजन है हाय लगने का। कुशल आप एग्जैक्ट लाइन वर्ड में पलाश पलाश्य वर्ड को यहाँ पे मतलब किस लिए यूज किया गया भैया? फल आश्रय का मतलब कि जो बोलेंगे वो सच हो जाना, क्रियाओं का फल जो बोलना वही हो जाना, फल फ्रूट्स। ओके ओके ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया भी है, वरदान देने की शक्ति आ जाना, श्राप देने का, आशीर्वाद देने का। बड़े बुजुर्ग ज्यादातर सत्यवादी होते हैं, बोलते हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लगता है। ठीक है, जरूर लगता है। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। अस्ते का अर्थ जल्दी बताओ क्या होता है? चोरी चोरी ना चोरी करना, चोरी ना करना, न करना, मानसिक और वचन से भी चोरी नहीं करना। शरीर मन और वचन तीनों प्रकार से। जिसने कभी मन में भी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरा हो जाए, पराई वस्ती को कभी उसने अपने विचारों में भी नहीं आने दिया, हमेशा से ही वो स्वाभिमानी रहा कि जो उसके पास है सिर्फ उसी चीज पे वो रहेगा, बिना सामने वाले की इच्छा के उसकी चीजों को यूज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं वो अस्ते का पुजारी है। जिसने इसकी पराकाष्ठा को पा लिया, अस्ते की, चोरी न करना हर तरीके की, ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको क्या फल मिलेगा? सर्व रत्नोपस्थानम। सर्व रत्नों, जितने भी प्रकार के रत्न है, भंडार हैं, कि कहाँ कितना खजाना छुपा हुआ है, समुद्र में कहाँ हीरे जवाहरात हैं, किस जमीन में कहाँ सोना गाढ़ा हुआ है, जितने भी प्रकार के रत्न हैं उन सभी चीजों का उसको पता चल जाएगा। ये उसकी ख्याति है, ये उसकी सिद्धि है, जिसने अस्तेय को अपना जीवन में दृढ़ता पूर्वक फॉलो किया, ऐसे व्यक्ति की सिद्धियां हैं ये। तो भैया यहाँ पे जो रत्न है वो इससे रिलेट होगा, जो सांसारिक चीजें हैं ये सब, मतलब ये गोल्ड वोल्ड इन सब से थोड़ी ना होगा लेकिन यहाँ तो ये तो जो ऐसा फॉलो करेगा वो ही मतलब इतना ज्यादा मतलब सिद्ध पुरुष होगा। तो यहाँ पे जो सर्व रत्नोपस्थानम है तो वो वर्ड किस चीज के लिए? शारीरिक चीजों के लिए तो नहीं हो सकता, भौतिक यहाँ पे हम दोनों चीजों लेंगे, भौतिक भी लेंगे, यहाँ पे शारीरिक अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पे भौतिक और आध्यात्मिक शब्द अच्छा रहेगा। भौतिक मतलब कि सोना चांदी जवाहरात, और आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक। कि आध्यात्मिक का अर्थ कि अच्छे प्रकार के, अच्छे बुरे व्यक्तियों की पहचान। रत्न जो है अच्छा व्यक्ति, हमारी क्लास के रत्न कौन है? अब जिसने इस चीज को फॉलो किया होगा वो 1 मिनट में पहचान जाएगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है और ये बच्चा सिर्फ दिखावा कर रहा है अच्छाई का। इनडायरेक्टली हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चोरी की बात हो रही है और चोरी भौतिक चीजों में आती है, तो इसका जो फल है वो भी भौतिक ही होना चाहिए। इसी आधार पे यहाँ पे हम जो इसका भौतिक स्वरूप ले लेते हैं कि जितने भी प्रकार के खजाने आदि हैं उनका उनको पता लग जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सोचो कि जो अस्ते का पुजारी है उसके लिए हाथ में आप चाहे कोहिनूर हीरा दे दो, उसको कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर वो वास्तविक अस्ते का पुजारी है तो उसके लिए सब बेकार है। इसमें एक स्टोरी आती है, कृष्ण लीला में बहुत देखता हूँ, उसमें आप लोगों ने भी देखी होगी, जब कृष्ण जी का जन्म होता है यशोदा माँ के घर में, और महादेव जी आते हैं साधु बन के उनके घर में कि लल्ला के दर्शन करा दें, तो वहां पे यशोदा माता उनको हीरे जवाहरात देती है और बोलती है कि ये तो पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किसी काम के नहीं, हीरे जवाहरात मेरे लिए पत्थर है, मेरे लिए कोई काम के नहीं, ऐसे पत्थर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसा बोलते हैं वहां पे महादेव जी साधु के रूप में।
ठीक है, देखा होगा आप सभी ने ये स्टोरी। जी सर। तो यानी कि जो अस्तेय का पुजारी होता है उसको मतलब नहीं है, कुछ भी उसको दे दो उसको अपनी भक्ति से मतलब है, अपने लक्ष्य से मतलब है, हीरे जा रहा है तो उसके लिए सब पत्थर है, मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं करेगा उसका, लेकिन ये सिद्धि है, उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे इतने प्रकार के रत्न हैं, आवश्यकता जिसको जरूरत होगी उसको जाके बता सकता है, जिससे दूसरे का बेनिफिट हो जाए, जिसको वास्तव में नीड है उस चीज की। सर जो ये काम करता नहीं होगा वो दूसरे से करने को भी नहीं कहेगा, मतलब किसी लेकिन को अगर बताएगा भी नहीं, आई थिंक देखिए बताएगा भी नहीं, इसको इस जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं ना सर, कि अस्ते का पुजारी जो है, जैसे मान लीजिए आज आपको पता है कि मैं अस्ते की पुजारी हूँ, मतलब मैं अस्ते को फॉलो करती हूँ बाय मतलब मन वचन कर्म से, तो आप मुझे कितना भी कुछ आपके तिजोरी के बारे में, आपके उसके बारे में बेझिझक होके बता दोगे कि भाई मेरा ये पैसा यहाँ यहाँ रखा है, क्योंकि आपको मुझ में पूरा अंधा विश्वास है कि भाई ये लड़की करने वाली नहीं है क्योंकि ये अस्ते की पुजारी है। वहीं पे आपको डाउट है कि यार इसके साथ में जो इसकी फ्रेंड है उसके मन में कहीं खोट है, अगर उसको मैंने बता दिया तो वो कहीं चोरी कर सकती है या किसी से चोरी करवा सकती है, वट एवर मन वचन कर्म जो भी है। तो इसके लिए वो ये है कि अस्ते का पुजारी होने से कोई भी आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है, आपके सारे मतलब आपको सारे राज बता सकता है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा होता भी है, जैसे मेरा भी एक ये फ्रेंड रूटीन था आज की लाइफ में और तो आज के इसमें हम उसको समझे कि बिल्कुल अस्ते अहिंसा इन सब का, तो आज की लाइफ में हम इसको इस तरीके से कोरिलेशन करके समझ सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। हम अपने पासवर्ड जो है, कोई भी सीक्रेट उससे नहीं छुपाते, क्योंकि जिसमें हमें ट्रस्ट होता है वो चीजें हाँ हमें पता होता है कि ये इस ट्रस्ट का नुकसान नहीं उठाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें उस चीज को बताई जाती है कि भाई अपन तो पता लगने दो, ये कुछ करेगा तो है नहीं, इसलिए है ना। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता है ब्रह्मचर्य का। अब जो ब्रह्मचर्य का जो पुजारी है, मैंने यहाँ पे ब्रह्मचर्य को दो अर्थों में बताया है, याद होगा आपको, पहला ब्रह्मा ब्रह्मचर्य जी को को कैसा ब्रह्मा की आचरण, तरह ब्रह्मा जी के आचरण समान, करना, ब्रह्मा जी के समान आचरण करना और वीर्य का रक्षण करना। दूसरा वीर्य का रक्षण करना, हर प्रकार के मैथुन का त्याग, और इस लाभ को देखते हुए हमें इन दोनों डेफिनेशंस में जो ज्यादा एक्यूरेट लगती है वो मैथुन का लाभ वाली लगती है, क्योंकि तभी वो ही बेनिफिट यहाँ पे बताया गया है ना। तो इनडायरेक्टली अगर हम ज्यादा एक्यूरेसी की बात करेंगे ब्रह्मचर्य के डेफिनेशन में, इस सूत्र को देखते हुए फिर हम बोलेंगे कि हर प्रकार के मैथुन का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है, ठीक है, तभी ये बेनिफिट हमें मिल रहा है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, जो ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, क्या उनके अंदर हौसला था, कई कितनी कहानियां हैं उनकी, मैं एक दो कहानी बता भी देता हूँ आपको आज। वीर्य लाभ हो, वीर्य शरीर में बढ़ेगा, और जिसका जो वीर्यवान होता है उसका शरीर ओजस्वी होता है, बड़ा ही तेज होता है, बलवान होता है और निरोगी होता है वो व्यक्ति। एक स्टोरी बता भी देता हूँ, स्टोरिया से मेरा एक्सपीरियंस से ज्यादा लंबे टाइम तक चीजें याद होती है। अभी यही क्वेश्चन आईआईटी बीएचयू में इंटरव्यू में पूछा गया था, ब्रह्मचर्य का लाभ क्या है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं हर इंटरव्यू में, आप हर जगह फेस करोगे। जैसे एक बार दो बैल लड़ रहे थे, बहुत ही खूंखार आपस में लड़ते रहते हैं बैल, हमारे यहाँ खागड़ बोलते हैं उसको बैल को, हरियाणा में खागड़ और सामान्य बैल बोलते हैं इसको, तो आपस में दोनों फाइट कर रहे थे, तो वहां पे महर्षि दयानंद जी आए और दोनों के सींग को पकड़ के अलग अलग कर दिया भरे बाजार में। तो ये है ब्रह्मचर्य की शक्ति, इतने खूंखार बैल जो पूरे फाइट के मूड में हैं, जो एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसे गुस्सेले जीव को आप सींग से पकड़ के दोनों को अलग अलग कर देना, सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।
तो ये है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ कि उसका शरीर बहुत ही बलवान हो जाएगा जो ब्रह्मचर्य का पुजारी होगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रिय ग्रह स्थिरियम जन्म कथंत संबोध 39 सूत्र के अंदर, कि जो अप्रिय ग्रह है, अप्रिय ग्रह का जल्दी बताइए अर्थ क्या बताया था हमने? आवश्यकता अभिवादन से ना अधिक करना। का संग्रह ना करना। हाँ, जितनी चीज हमें चाहिए सिर्फ उतना ही रखना, बाकी का त्याग कर देना या किसी जरूरतमंद को दे देना, उसके पास एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलेंगी। आप देखिए अपने कथा कहानियां टीवियों में सीरियल भी देखे होंगे, जो योगी होते हैं उनके पास क्या होते हैं, एक लुटिया होती है, भिक्षा मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिल जाती है तो भी ठीक है, ना ज्यादा लेते कि मुझे कल के लिए भी कुछ चाहिए, बस आज के लिए पेट भर जाए, कल के कल देख लेंगे। अप्रिय ग्रह स्थैर्यम, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अप्रिय ग्रह को दृढ़ता पूर्वक सिद्ध कर लिया अपने जीवन में, बहुत अच्छे से उसको अप्लाई किया है, तो उन व्यक्तियों की क्या सिद्धियां मिलेगी उनको? जन्म कथंता संबोध, इसका मतलब उसको क्या होगा, पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है। पहले कई लोग होते हैं ना, बता देते हैं आप पिछले जन्म में ये थे, कई ज्यादातर तो बकवास होती है, लेकिन कुछ एक सच्चाई भी होती है, कुछ भी बता लो, हमें क्या पता है क्या थे हम। भैया तो फिर ये तो मतलब जैसे कि ये हमें बोला कि परिग्रह करना है, अगर इसका रिजल्ट ये है तो ये चीज तो सही नहीं है। मतलब हम लोग को पता नहीं होना चाहिए ना हमारे पूर्व जन्म में क्या हुआ है, अदरवाइज हम उनसे परेशान होते रहेंगे और हम सेम उन रिलेशंस में या फिर उन चीजों हर में एक को जाने थोड़ी पता नहीं लग जाएगा, जो सिद्ध होगा उसको ही पता चलेगा। तो उसे पता चलेगा तो उसके लिए भी तो अच्छा नहीं होगा ना। अगर उसने सिद्ध कर लिया तो वो चीज उसको नुकसान भी नहीं करेगी। साक्षी जी इसे आप उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि अभी हमने उसको समझा था, क्या कहते हैं, अस्ते को समझा था कि अस्ते करेंगे तो सारे रत्न आ जाएंगे, तो सारे रत्न आ जाएंगे तो भी वो उसको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि उसको चोरी करनी ही नहीं है। वैसे ही अपरिग्रह में हम क्या कह रहे हैं कि हमें आवश्यकता से अधिक का नहीं करना है, मतलब हमें आज से ही मतलब है, न पिछले जो गया उससे मतलब है, न जो आगे आने वाला है उससे मतलब है। अपरिग्रह को देखा जाए तो आज में जीना, आज के क्षण को देखना, तो उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछले जन्म में वो क्या था या अगले जन्म में वो क्या होने वाला है, उसको अभी से ही मतलब रहेगा। हाँ ओके ओके थैंक यू। ठीक है जी, तो पूर्व जन्म का ज्ञात हो जाता है उसको, अप्रिय ग्रह की ये सिद्धियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सोच, अब देखिए ज्यादातर जो बुरे लोग होते हैं वही लोग ज्यादा बुरे काम क्यों करते हैं, उसका कारण यहाँ पे दिया गया है। पहली बात तो वास्तव में शुद्ध होता क्या है ये जानना जरूरी है। खाली बाहर से सुंदरपन होना ये सुंदरता नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत ही ज्यादा चमकीला ब्राइट ब्यूटीफुल होगा वो बहुत शुद्ध होगा, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। शरीर मन और वचन तीनों चीज जरूरी है। शरीर का तो ब्यूटीफुल हो गया लेकिन मन का और वचन का नहीं है तो उसको हम शुद्ध नहीं बोल देंगे। सोचात, जो वास्तव में जो शुद्ध का पुजारी है, वास्तव में जो पवित्र है शारीरिक मानसिक वाचिक, अच्छे से उसने फॉलो किया है, शुद्धता को अपने जीवन में अप्लाई किया है, और ये ज्यादातर गर्ल्स में होता है बॉयज के मुकाबले, ये क्वालिटी गर्ल्स की होती है, गर्ल्स बॉयज के मुकाबले गर्ल्स ज्यादा बेहतर तरीके से सिस्टमेटिकली रहती हैं अपने आसपास, अपना घर अपना कमरा, ज्यादातर गर्ल्स बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल नहीं कह रहा हूँ, बॉयज के मुकाबले ठीक है ज्यादा अच्छी है,
सोचात जो शुद्धता का जिसने फॉलो किया है, स्वांग जुगुपुत्सा अपने ही शरीर से विरक्त हो जाती है वो, परई संसर्ग है दूसरे के संसर्ग की। इसका मतलब जो है, जो जनरली जो देखा जाता है, जो नेचर होता है ह्यूमन नेचर, अपोजिट जेंडर की तरफ जो अट्रैक्ट होने वाली जो चीज है, कॉमन है भैया, बॉयज गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गर्ल्स बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नेचर है ये, अपोजिट जेंडर की तरफ सभी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन किन लोगों में होती है, जो शारीरिक मानसिक और वाचिक रूप से शुद्ध नहीं है। और जो शुद्ध है यहाँ पे दिया गया है कि उनको अपने ही शरीर से विरक्ति हो जाएगी, और अपने ही शरीर से जब विरक्ति हो जाएगी वो दूसरे से क्या कॉन्टेक्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो अटैचमेंट है उन लोगों में कम पाई जाती है, इसीलिए इस प्रकार की जो अटैचमेंट गर्ल्स में कम होती है नेचुरली, क्योंकि वो नेचुरली शुद्ध होती है। ठीक है, अब जो और एक और बेनिफिट बताया गया, एक बेनिफिट तो ये बता दिया गया, ठीक है, कि वो अटैचमेंट उनके शरीर मन कर्म में नहीं देखी जाती, कम देखी जाती है शुद्ध लोगों में। आगे क्या बताया गया कि और इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो सोच के दो बेनिफिट यहाँ पे बताए, एक तो पहले दे दिया, एक दूसरा एक सूत्र और दिया है, बाकी सभी के लिए एक एक सूत्र दिया है, लेकिन सोच के लिए दो सूत्र दिए हैं यहाँ पे, इसलिए सोच को यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। सत्व शुद्धि, सोमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। देखिए मतलब कि सत्व शुद्धि, इसका मतलब उसको वास्तविक रूप से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा जो वास्तव में शुद्ध है। सोमनस्य, हमेशा वो बहुत प्रसन्न रहेगा, उदास नहीं रहेगा जो शुद्ध व्यक्ति है। आगे क्या बताया, सोमनस्य हो गया, एकाग्र, वो बहुत ही फोकस्ड रहेगा, फोकस्ड, तभी मैं हमेशा गर्ल्स की अप्रिसिएशन करता हूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद भी अपनी हर चीज को कितना अच्छे बेहतर तरीके से वो कर लेती है, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी होती है, चित्त की एकाग्रता, और बाकी लोग भ्रमित होते रहते हैं। कई लोग होते हैं ना कि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते किसी चीज के लिए, और उसके पीछे मूल कारण क्या है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ना होने का मूल कारण क्या है, आपने जाना भी सूत्र से, सोच ना फॉलो करना। वेरी गुड, सोच ना फॉलो करना। देखिए सोच, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सफाई का रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन से भी होता है, लेकिन होता है भैया, देख लो यहाँ पे बताया गया। अभी तो साइंस में भी प्रूव कर दिया कि स्टडी में कंसंट्रेशन के लिए आपके आसपास की टेबल और ये सब प्रॉपर मैनेज रहेगी तो आपका अपने आप पढ़ाई में ध्यान लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सर। एक सद्गुरु जी का, एक सद्गुरु जी का वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया था जैसे कि जब हमारे जैसे हिंदू संस्कृति है इसमें हाथ जोड़ने का रीजन भी यही है, क्योंकि जैसे अगर हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका टच होता है वो हमारे उससे दूर अलग होने के बाद भी हमारा उसका संपर्क जो है हमारे माइंड में रह जाता है, जो एक अनकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। लेकिन जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारा किसी भी प्रकार का उससे संपर्क नहीं होता, तो वो चीज हमारे लिए शुद्ध रहती है, जो मीन्स हम जुड़ते नहीं है किसी को इस तरह से, तो फिर हमारा उसका रीजन क्या है? हो जाता है, एक दूसरे की ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होती, उसका मेन कंसेप्ट ये है जी, हमारी ऊर्जा हमारे पास, दूसरे की ऊर्जा दूसरे के पास। तो पहला बेनिफिट अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, दूसरा है वो बहुत ही खुश रहेंगे, हैप्पीनेस का फॉर्मूला है शुद्ध रहो, चित्त की एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन उनकी भाव काफी अच्छी होगी, और दूसरा इंद्रिय जय, अभी बताया ना मैंने
कि जो शुद्ध व्यक्ति होंगे वो जल्दी भ्रमित नहीं होंगे। चलो भैया मूवी देखेंगे, चलो भैया कचौरी खाते हैं, समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, गाने सुनना, डिस्को जाना, हाँ माहौल होता है लड़कियों में। देखिए दोनों चीजें मैंने बोल रहा हूँ, लड़कियों में सबसे ज्यादा शुद्धपन भी होता है और बहुत ही ज्यादा अशुद्धपन भी होता है। ओवरऑल मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियां ही शुद्ध होती है बॉयज नहीं होती, नहीं, ज्यादातर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं इंद्रियों को का वश में रहती है, उनको जो चीज चाहेंगे वही चीज वो करते हैं, वो मन के कंट्रोल में नहीं होता, मन उनके कंट्रोल में होता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, इनडायरेक्टली प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, इनडायरेक्टली सोच का पालन करने से, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि प्रत्याहार की सिद्धि किससे हो सकती है। ऑप्शन ए सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इस तरीके से ऐसे एग्जामिनर घुमा सकता है इन बातों को, अगर उसने डीप लिया तो। अभी मैं आपको डीप पढ़ा रहा हूं इसलिए ये चीज अभी मुझे माइंड में एकदम से क्लिक किया कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, और अभी आगे से आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, कभी डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी उनको सोल्व कर पाओगे, नहीं तो आने वाले टाइम में जेआरएफ क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है। आगे बताया सर, कि आत्मदर्शन, उनको सेल्फ रियलाइजेशन भी जल्दी होता है, वो ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। देखा होगा कि लेडीज ज्यादातर एज कंपेरिजन टू जेंट्स दे आर मोर स्पिरिचुअल, मोर रिलीजियस, मोर पोलाइट इन नेचर, ठीक है। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे। मुझे ये प्रसन्नता का थोड़ा सा पूछना है कि इसमें बोला ना कि सोच से मन भी प्रसन्न होगा, तो अगर जैसे हम पहले वाले सूत्र से जोड़ें कि उसे ना तो अपने शरीर से लगाव रहेगा ना ही मतलब अपोजिट उससे लगाव रहेगा, तो मन प्रसन्न का मुझे इसमें समझ में नहीं आया कि वो कैसे मतलब मतलब होगा। सेटिस्फेक्शन, इच्छाओं की पूर्ति। अब आपका अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन है तो कहीं ना कहीं हमेशा एक इच्छा रहेगी कि मैंने ये चीज नहीं की। अब उसकी इच्छा ही खत्म होगी तो नहीं की का वो जो अप्रसन्न भाव है वो कभी आएगा ही नहीं। मतलब प्रसन्नता को सिर्फ यहाँ पे एक ही उससे जोड़ा गया है, बाकी और एस्पेक्ट्स से प्रसन्नता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास वाले अगर जैसे शुद्ध नहीं रहेंगे तो उन्हें देख के भी हमें इरिटेशन होती है, तो फिर हम प्रसन्न नहीं रह पाते उस टाइम भी। मतलब मैं इस तरीके से जोड़ के देख रही हूँ उस चीज को। नहीं, वो शुद्धता की कमी है, आप खुद रहोगे, बाकी जो कोई कैसा भी क्यों ना हो। जैसे जल में कमल का फूल होता है, अगर आप खुद पवित्र हो तो आप कीचड़ में भी रहो वहां पर भी आप पवित्र रहोगे, ये वास्तविकता है। थोड़ा मतलब आसपास का एनवायरनमेंट हमें इफेक्ट नहीं करेगा ऐसा है। बहुत तो देखो सबको करता है, लेकिन अगर आपने दृढ़ स्थिति को प्राप्त कर लिया तब की बात है ये। ठीक है, ओके, थैंक यू। हर परिस्थिति में आप खुश रहने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, मन में प्रसन्नता का भाव। इसको सर ऐसा भी बोलते हैं ना सर, शौच बोल तो मानसिक शौच भी, हमको मानसिक विचार भी अच्छा करना है, गंदे विचार नहीं लाना है, तो हमारे मन प्रसन्न रहेगा अगर हम कुछ और नहीं सोचेंगे तो। नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया मैडम स्टार्टिंग में, सोच वही क्या यही मुझे होता है। बताइए। हाँ हाँ शरीर मन और वचन ये तीनों चीज तो होगी, नहीं, उसको सोच बोला गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैं अब समझ आया। आप मानसिक रूप से जो बुरे विचार है जब वो आएंगे ही नहीं बुरे विचार, तो अपर्सन कैसे होना, अनसेटिस्फाई तो होएगा ही नहीं फिर आप, है ना। ये ओके सारे जी जो आगे है वो बढ़। सारे मानसिक विचार के ही फल है ना, ऊपर जो थे वो शारीरिक शुद्धि हाँ के फल थे, ये सारे मानसिक शुद्धि के फल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, जो नंबर 4 नंबर का जो नियम है वो हम पढ़ते हैं। वैसे हम दो दो सूत्र और कर लेते हैं, नियम पूरे कर लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। मैं थोड़ा ज्यादा डीप चला जाता हूँ, सॉरी चाहूंगा, इससे सिलेबस हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है डीप जाने से। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ हो, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ हो, जो संतोषी व्यक्ति होता है
वो बहुत ही सेटिस्फाई होता है, और एक्चुअल में हैप्पी वही होता है क्योंकि वो सेटिस्फाई होता है। जितना मिल गया, जैसा मिल गया, अपने आप को कोसना नहीं, किसी और को दोषी नहीं ठहराना, उसी में ही अपना जीवन यापन करना, वो है अनुत्तम सुख लाभ है। उससे बड़ा सुखी व्यक्ति कोई नहीं, ये संतोषी व्यक्ति से बड़ा। करोड़पति होना सुख की निशानी नहीं है, सेटिस्फेक्शन होना ये है सुख की वास्तविकता पहचान। इस पे एक स्टोरी याद आ गई सर। बताओ जी। डेल कार्नेजी था ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिच पर्सन था। जब वो उसकी डेथ नजदीक आई तो किसी ने उससे पूछा कि आपके पास 99 बिलियन मिलियन जो भी कितना है सबसे ज्यादा पैसा था, तो बोला इतने पैसे होने के बाद क्या आप खुश हैं, सेटिस्फाई हैं? तो वो बोला नहीं रे, मेरा तो लक्ष्य था 100 बिलियन का। जो 99 बिलियन से खुश नहीं हो सकता, वो 100 बिलियन से भी नहीं हो सकता। इसलिए ये संतोष इच्छाएं नहीं। हैं और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए जितना मिल गया आप उसमें खुश हो जाओ। देखो वो अरबपति आदमी, क्या पता वो इतने अच्छे घर में, आलिशान घर में रह रहा है, उसको नींद ना आए, लेकिन है कि जो मजदूर व्यक्ति है वो रेलवे की पटरी पर सो रहा है, क्या पता वो उससे बहुत बेहतरीन नींद ले रहा है। उसका हम ईजी लगा के चेक करें, जो रिक्शा चला रहा है उसका ईजी बहुत अच्छा आएगा, ब्रेन वेस्ट, जबकि टोटली उसकी ना एग्री आए। सर, उसको टेंशन ही नहीं है ना किसी चीज की, वो सेटिस्फाई है, जो आज मिला खा लिया, मस्त जी लिए, अब कल की कल देखेंगे। और मस्त होते भी हैं सच में वो। इसलिए हम सुखी हैं या हम दुखी हैं ये सिर्फ हमारी सोच डिसाइड करती है, हमारा दृष्टिकोण, हम उस चीज को देखते कैसे हैं। एक और हम कर लेते हैं लास्ट में, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। लास्ट हमारा जो अंग रह गया, नहीं अभी तो एक और रह गया, रुको अभी है, रुको, रुके रुके रुके, दो रह गए, तीन रह गए, तीन तीन, ठीक है रुके रहिए, आज हम इसको पूरा कर लेते हैं। अब आ गया तप। तप क्या है भैया? सेम फॉर्मूला, पहले तप को समझो, शरीर मन और वचन से तपस्या करना। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये आपकी तपस्या है। आप लोग जॉब भी करते हो और जॉब के साथ अपने काम को मैनेज करना, ये तपस्या है। मैं गर्ल्स की सबसे ज्यादा तारीफ क्यों करता हूँ, वो खुद को भी मेंटेन करती हैं, अपने जॉब को भी मेंटेन करती है, स्टडी को भी मेंटेन करती है, घर को भी मेंटेन करती हैं, और आने वाले फ्यूचर को भी मेंटेन करती है, एक साथ दो दो तीन तीन फैमिली को मेंटेन करती है। ये सबसे बड़ी तपस्या है, जबकि बॉयज ऐसा नहीं कर पाते, कम कर पाते हैं। तो जो तपस्या है ये है शरीर मन और वचन की। जो तपस्वी, जो वास्तव में जो तपस्वी है उसका क्या फल होगा? काय इंद्रिय सिद्धि, उसकी जो काया है, ठीक है, काय इंद्री, काय का मतलब जो हमारी कर्म इंद्री है, ठीक है, और ज्ञान इंद्री है, जो इंद्रियां हैं वो सिद्ध हो जाएंगी उसकी। अशुद्धि छयात, शरीर से अशुद्धियों का नाश हो जाएगा। इस इनडायरेक्टली सोच का बेनिफिट भी देखो यहाँ पे मिल गया। जब वो अशुद्ध हो गया इसका मतलब वो शुद्ध भी हो गया, सोच, और सोच के बेनिफिट इनडायरेक्टली तपस्या भी मिल जाएंगे। इसलिए बोलते हैं अपना काम करो, बाकी सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी ये बात, कि पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, आगे बढ़ो, आपका बेनिफिट है और औरों को अच्छे लगोगे। काम तुम अपना कर रहे हो और अच्छा दूसरों को लग रहा है कि देखो उसका बेटा कहाँ चला गया, आज क्या बन गया, और अपना ही खराब करोगे और दूसरे मजे लेंगे। तो जो खुद की जो वास्तविक जो तपस्या है वो आप अपने आप ही, अपनी नजरों में भी, अपनी सोसाइटी की नजरों में भी, अपने आप ही आपका डेवलपमेंट हो जाएगा।
शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाएगी और हर प्रकार की असिद्धियों का नाश हो जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं स्वाध्याय। अब यहाँ पे हम सात्विक जो साकार जो ईश्वर की जो पूजा करते हैं, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगता है जो बोलते हैं ना कि मुझे अपने बाबा जी के दर्शन हो गए, मुझे महादेव के दर्शन हो गए, मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए, कृष्ण जी के दर्शन हो गए, वो फॉर्मूला यहाँ से आया है 44 श्लोक से, सूत्र से, सॉरी। स्वाध्याय, आप जिस भी चीज का स्वाध्याय, आप स्वाध्याय को अगर आपने सिद्ध कर लिया अच्छी तरीके से, वैसे ही आपको चीज प्रतीति होने लगेगी। और हमारे साइकोलॉजी में भी, साइंस भी ऐसा बोलती है कि जैसे जैसे हमारे विचार होंगे वैसे वैसे हमारे साथ घटने लग जाएंगी घटनाएं, ऐसा साइंस बोलती है। स्वाध्यायात इष्ट देवता, क्योंकि स्वाध्याय आप अपने इष्ट देव पे करोगे, हनुमान जी पे करोगे, राम जी पे करोगे, कृष्ण जी पे करोगे, कोई बाबा खेड़ा का करेगा, कुछ और करेगा कि अपने अपने देव गुरु, और लगता है उनको कि मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरु जी दिख रहे हैं। कई लोगों को आज भी आसाराम दिखते हैं, आज भी बाबा राम रहीम दिखते हैं, आज भी और चीजें दिखते हैं, यानी कि जो जिन पूरा प्रमाण है, पूरा जगत प्रमाणित है उन्होंने क्या किया है, उसके बावजूद भी लोगों को उनके दर्शन क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा निष्ठा से उसकी भक्ति करते हैं। तो जब हम पराकाष्ठा पार कर जाते हैं अपनी भक्ति की, तब भी हमें वो ही चीजें दिखने लग जाती है। तो इसमें सिद्धि उन गुरुओं की नहीं है, सिद्धि आपकी है, आपको उनके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आपकी निष्ठा पवित्र है इसलिए आपको उनके दर्शन हो रहे हैं। आप जिस भी चीज की निष्ठा करोगे आपको उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, जो जो है जिस भी देव का आप पूजन करोगे, स्वाध्याय करोगे, वो देव आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। वास्तव में उनका स्वरूप है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन प्रकट हो जाएंगे, और यहीं से साकार उपासना बनी है, और यहीं से साकार और निराकार में डिफरेंस भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। साकार एक छोटा सा रूप है, निराकार बहुत बड़ा स्वरूप है। ठीक है, हाँ, उस निराकार तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में साकार उपासना की जाती है, माध्यम बन जाता है वहां तक जाने का। आज का लास्ट सूत्र हम पढ़ते हैं, समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्। ईश्वर परिधान करने से, ईश्वर का वास्तव में अनुसरण करने से, क्लेश कर्म विपाकाशी रप्रमिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, गुरुओं का गुरु, उससे बड़ा कोई नहीं, अनंत नहीं है, वो प्रणव है, उसके जप की अर्थ की भावना इस तरीके से हमेशा ही याद रखना, हर समय अपने भगवान को याद रखना। जब वो ईश्वर परिधान में प्राकाष्ठा प्राप्ति हो जाती है किसी की, तो अपने आप ही उसकी समाधि लग जाती है। मीरा इस चीज का उदाहरण है, भक्त मीरा, भक्त तुलसीदास, बहुत तरीके बड़े बड़े भक्त रहे हैं, ये इस चीजों के बहुत बड़े उदाहरण है कि उनकी सिद्धि खाली ईश्वर आराधना से उनको सिद्धि मिल गई, समाधि मिल गई। तो ईश्वर परिधान करने से समाधि की सिद्धि होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। सूरदास जी, हाँ, सूरदास जी अंधे थे, कृष्ण के भक्त थे, क्या उन्होंने कविताएं लिखी हैं, सूरदास जी की कविताएं पढ़ो, भक्ति योग की। अंधे होते हुए भी उन्होंने कृष्ण के स्वरूप को कितना जबरदस्त बताया है, कोई देखने वाला व्यक्ति भी नहीं बता सकता, जिसकी आंखें हैं वो भी नहीं बता सकता, लेकिन सूरदास जी की आंखें नहीं थी, अंधे थे वो बचपन से,
उसके बावजूद भी क्या श्रृंगार रस का उन्होंने प्रयोग किया, आभूषणों का उन्होंने मुकुट धारण किया कृष्ण जी ने, उनका ऐसा ललाट, ऐसे वस्त्र देखा उन्होंने। हाँ, तो ये है ईश्वर प्रणिधान का फल, समाधि की सिद्धि, समाधिष्ट हो जाते एक मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए यम नियम, इसलिए बोलते कि यम नियम बाकी फॉलो करो ना करो, यम नियम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, यही बहुत है, मैं तो ये बोलता हूँ यम नियम ही बहुत है आपको समाधि तक ले जाने के लिए, और ईश्वर प्रणिधान से पता भी चलेगा कि समाधि यहीं से मिल जाएगी भैया, बाकी चीजें करने की जरूरत ही क्या फिर। ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना नेचर, अपना अपना स्टाइल। हमारी स्टार्टिंग प्रेयर में यम नियम का पालन करना है। जी थैंक यू, जी थैंक यू सो मच। हमारे गुरु जी डॉक्टर जयसिंह भारिया जी हैं, उनकी देन है ये, उन्होंने हमें सिखाई, और वो एक्सपीरियंस जो है उस टाइम जब मैं एमए फर्स्ट ईयर में था, तो उस समय गुरु जी आते प्रार्थना कराते, राहुल प्रार्थना बोलो क्लास में, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, राहुल प्रार्थना बोलो, खड़े हो जाओ, चलो पूरी क्लास को प्रार्थना कराओ। उस टाइम तो मुझे नेट का मीनिंग भी नहीं पता था, एमए फर्स्ट ईयर में, बोलते सर नेट क्लियर करूंगा, मैं सोचते नेट होता क्या है, ये नेट फुटबॉल वाला नेट है क्या, नेट है, मुझे एक दो महीने बाद पता चला नेट तो एग्जाम होता है कोई। तो बाद में गुरु जी की वो प्रार्थना, वो डेडिकेशन हमेशा अंदर से हौसला भर देता, और जिसकी वजह से पहली बार में ही फर्स्ट ईयर में ही एग्जाम मेरा क्लियर हो गया। देखिए वो बच्चा जिसको नेट का मीनिंग तक नहीं पता है, और उसी वही बच्चा पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट ईयर के अंदर ही क्लियर कर जाता है, ये गुरु जी की उस प्रार्थना का फल है, गुरु जी के आशीर्वाद का फल है। तो चीजों को बोलना नहीं है खाली, उनको अप्लाई भी करना है अपने जीवन में। ये जो प्रार्थना है मेरे अंदर, इस प्रार्थना ने बहुत जोश भरा है, और वही चीज मैं आपको करवा रहा हूँ। कभी डॉक्टर जयसिंह से आए हैं आप लोग, मिले होंगे बहुत बार मीटिंग में, उनको बुलाया मैंने, अगली बार आऊंगा फिर मिलाऊंगा उनसे, पूछना वो बताएंगे मैं कैसा था। शारीरिक क्रिया विज्ञान के हैं जो? हाँ, एनाटॉमी के बहुत बड़े मास्टर हैं वो, एलबीएस इंस्टीट्यूट में। सर एलबीएस में करवाया था उन्होंने हमें डिप्लोमा में। बिल्कुल बिल्कुल, कभी बुलाएंगे मीटिंग में, इंट्रोडक्शन कराएंगे, उन्होंने उनकी प्रेयर है ये, मैं तो उनका अनुसरण कर रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया इस प्रेयर को। चलिए ये हो गया हमारा, और MDYA की प्रणेता भी वही है, उन्हीं की वजह से MDYA बनी है, उनके आशीर्वाद से, नहीं तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि MDYA बनाऊंगा कभी। ओके, वापस आ जाते हैं, तो कोई डाउट्स हो तो बताइए, फिर मैं अपना जो है कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। आज तो डाउट्स नहीं होंगे, इजी टॉपिक था, है ना। चलिए अब मैं पूछ लेता हूँ, एक एक करके रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है जी, समझाना है और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से, मेरे एग्जाम्पल कॉपी मत करना। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने आप से कुछ नया एग्जाम्पल बनाएं। चलिए अहिंसा का एक अच्छा सा एग्जाम्पल कोई, या तो हैंड रेज कर दे कोई जल्दी से बताना चाहता हो तो, बाकी लोग मैसेज कर सकते। अहिंसा को पहले तो समझाना है, और एक एक उदाहरण दे देना उसका, कोई भी, जैसे मैंने महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया, अंगुलीमार डाकू का उदाहरण दिया, और कोई उदाहरण आपके माइंड में हो तो। जी दीप्ति जी आइए। तो विदाउट वीडियो बता दूं, मैं खाना बना रही हूं एक्चुअली। ठीक है मैडम जी, जी बताओ। हाँ तो सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं, और तो जब लोगों के आपस में टक्कर हो गई है, ठीक है, तो मैं भी गाड़ी से उतरी, सामने वाला भी गाड़ी से उतरा, वो भी मतलब गुस्से में लाल था, बट मैंने देखा कि वो गुस्से में लाल है, तो मैं जाके पहले उसको सॉरी बोल देती, चाहे मेरी गलती हो या नहीं हो, मैं उसको जाके सॉरी बोल देती कि भैया सॉरी ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो हमारी पोलाइटनेस को देख के फिर खुद भी मतलब शांत हो जाता है और फिर चला जाता है। तो वही है कि ये मतलब मैंने पोलाइटनेस दिखाई, वो भी अपनी एक बहुत अच्छी चीज, आपके एक स्टोरी से एक मुझे बहुत अच्छा उदाहरण एक और याद आ गया। कई लोगों का मानना ये होता है, लोहे को तो लोहा काटेगा, कि सामने वाला गर्म आप भी गर्म हो जाओ, लेकिन कभी आपने देखा है कि गरम लोहा गरम लोहे को काटता हुआ? ना ना ना, कभी नहीं। लोहे को लोहा जरूर काटता है,
लेकिन कौन सा लोहा कौन से लोहे के काटता है ये भी जरूरी है। सर गरम लोहे को ठंडा वाला, ठंडा लोहा ही गरम लोहे को काट पाता है। तो ये अहिंसा का एक उदाहरण हो गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दीप्ति मैडम ने, बहुत बढ़िया। ऐसे ही नए नए एग्जाम्पल मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से, ताकि परमानेंटली आपको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े योग दर्शन, ये एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें याद हो जाएं। ठीक है जी, सत्य का अच्छा सा एक मजे वाला एग्जाम्पल कोई दे सकता हो? मतलब सर मेरे साथ यही है कि मुझे सूत्र याद है नहीं है, लेकिन वो मेरे योग दर्शन मेरे अंदर घुस चुका है ऐसा है। बहुत बढ़िया, समझ समझ के क्लियर करोगे तो ऐसा ही होता है, वेरी गुड। चलिए हैंड रेज करो, सत्य को कौन बता सकता है? हैंड रेज करो, कमल कमल सामने आओ ना। दीप्ति जी का हाथ उठा है, बाकी भैया बाकी लोग भी तो हैं, आओ सामने आओ। यस, युवा योगी पंकज जी सामने आओ जी। यस सर, सर सत्य मतलब वचन और मन और शारीरिक रूप से, मन और वचन से सत्यता का पालन करना, चाहे वह कोई भी परिस्थिति स्थिति हो, हमें उस परिस्थिति स्थिति में सच को ही फॉलो करना है। ठीक है, उदाहरण दीजिए, और ये क्रियाफल आश्रम का कोई उदाहरण दीजिए। सर मुझे एक बात समझ में आ रही थी, क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे एक कहानी थी कि एक जो है गाय था, गाय थी और एक उसको काटने वाला था, और जब और एक रास्ते में कोई महर्षि बैठे थे, तो जब वो गाय दौड़ा रहे काटने वाला उसको दौड़ा रहा था, तो वो जो है गाय भाग रही थी, और फिर वो जो है काटने वाला गाय वाला वो पीछे रह गया, तो दौड़ते दौड़ते उस जब वो महर्षि के पास पहुंचा तो उसे पूछा कि गाय किधर गई है, तो महर्षि ने उसको देखा तो ये काटने के लिए या मारने के लिए जा रहा करके, तो उन्होंने उस महर्षि ने उनको जो है दूसरा रास्ता मतलब झूठ बोलकर दूसरे रास्ते भटका दिया, तो ये कौन से सत्य में आएगा? ये सत्य है, लेकिन ये मैंने एक बोला था ना, समय परिस्थिति के अनुसार सत्य की परिभाषा बदल जाती है। जी सर, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ फल सुनना चाह रहा हूँ, ये तो आपने सत्य की डेफिनेशन होगी, कोई फल सर? एक एग्जाम्पल महर्षि दुर्वासा का भी है ना, जब शकुंतला जो थी वो अपने पति के उसमें बैठी हुई थी, तो उन्होंने देखा नहीं कि ऋषि आए हैं करके, तो दुर्वासा जी ने कहा कि जिसके भी मन चिंतन में बैठी हो वही तुमसे दूर हो जाए, तो उनका ये जो श्राप था वो फलित हो गया था, मतलब कि फिर वो अलग हो गई थी उनसे, ये याद आया मुझे अभी इस वक्त। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी श्राप और कहानियां वरदान तो दुनिया भर की, आप भारत में रहे हो तो पता ही है सबको। पुष्पा मैडम कुछ बोलना चाह रही है जी, पुष्पा मैडम। एक शेर और एक गाय का कहानी मेरे को याद आ रहा है, शॉर्ट में बताइए। शेर ने जेब के शेर का सभी का अपना वीडियो पे वगैरह देखे होंगे। मैं इसको सत्यवादी के लिए मैं कहना चाहती हूँ। एक शेर था, वो गाय के लिए खाने जंगल में जा रहा था, गाय चराने के लिए चलते चलते जंगल में गया, शेर उसको पकड़ लिया, तो मैं तेरे को खाने वाला हूँ। वो बोली मैं तू खाता है ना मेरे लिए, तू संतृप्त तो होता है तो अच्छा है, मैं एक मेरे का एक वचन मेरे को निभा दो कि मैं मेरे छोटे से बैठ गाय है उसको दूध पिला के आती हूँ, और मैं आने के बाद तेरे को अर्पण करती हूँ, तू खा ले बोल के। ठीक है बोल के वो गाय शेर थोड़ा सा धीरज रखता है, धीरज रखने के बाद वो अपने गाय का अपना गो इसमें जाती है और बच्चे को कहती है कंदा तू एक किसके साथ अभी मैं नहीं आऊंगी, से सभी के साथ तू मिलजुल के रहना, सभी उसको आशीर्वाद दे के अच्छी तरह से दूध पिला के, छोटा बच्चा था बछड़ा था वो उसको बोल के बोले, तो सब गाय उनके गौशाला में कितने गाय थे उसको ये कर रहे थे कि देख रहे थे वो क्या कर रहा है ऐसा क्या हो रहा है बोल के। फिर वो वचन के निभाने से फिर जंगल आया वो बच्चों को छोड़ के,
तू इधर ही बस है, आगे मत आ, मैं जाती हूँ बोल के वो आए। तो वो एक शेर उसको दराहा देख रहा कि पर्वत पे ऊंचाई पर दे, उसको देख रहा था तू आती कि नहीं बोल के, उसको इतना उत्सुक हो गया कि तू वो आने वाली है, मेरे को बहुत भूख लगा है, मैं खा जाऊंगा बोल के। फिर वो आके बोली उसको शेर को मैं आ गए, मैं तुम अर्पण करो, मैं हो गया मेरा ब, 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 सब कुछ मेरा अर्पण हो गया, मेरे बच्चों को दूसरे हवाले कर दिया, मैं मेरा पूरा जीवन सार्थक हो गया, तुम मैं तुम्हारा सत्यवादी को निभा हूं, तुम अर्पण कर सकते बोले। तो उसको फील हो गया कि मैं क्या अन्याय कर रहा हूँ, ये कितने बच्चे को मैं इसके साथ, वो बच्चे को भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए वो क्या बोलता है, वो ऊपर से छलांग मार के अपने आप मर जाता है सिर। इसलिए वो स्टोरी अच्छी थी, अच्छी शिक्षा, लेकिन सत्य में एक्यूरेट नहीं बनेगी ये, सत्य के उदाहरण में सही नहीं बनेगी स्टोरी। वैसे एक अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी है, काफी अच्छा लगा सर। सत्य पे तो सबसे ज्यादा उनका नाम लिया जाता है, जैसे जो इनके राम जी के पूर्वज थे राजा सत्यवती सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक सिर्फ एक वचन का, उन्होंने सिर्फ एक पालन करने के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया था, अपने शब्दों को रखने के लिए जो एक वचन दे दिया था। एक तो है पालन करना, एक होता है कि जो बोल दिया वही हो जाना, ये है सत्य की मेन फल। जो बोल दिया, जैसे कि कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी फैमिली में, अपने टीचर्स ने, कई टीचर बड़े गुस्सा में बोलते हैं कि जा तू मर जा, और वो मर जाते हैं, या कुछ उनका बुरा एक्चुअल में हो ही जाता है, वो है सत्य का फल। ठीक है सर, इसमें एक राजा की और एक ऋषि की कहानी है, मैं सुनाऊं अगर आप। तो सर जितने भी ऋषि मुनि है, अधिकतर जो तपस्या किया है या श्राप दिया, कोई राक्षस बना, कोई जानवर बना, कोई कुछ भी बना, तो वो उनकी तपस्या का फल सत्य का ही है। हाँ वो सत्य का फल है। मैम स्टोरी ज्यादा लंबी हो जाती है, शॉर्ट शॉर्ट एक एक स्टोरी बहुत है, अभी आगे भी बढ़ते हैं थोड़ा सा, माफी चाहूंगा मैं। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सत्य हो गया। अस्ते अस्ते की एक स्टोरी बहुत है। थैंक यू पुष्पा मैम, काफी अच्छी आपने प्रेरणादायक स्टोरी बताई। तो अस्ते का कौन, प्रियंका जी ने अस्ते उठाया, हैंड उठाया जी। प्रियंका मैडम आओ सामने आओ। अस्ते की स्टोरी अच्छे से शॉर्ट में, शॉर्ट में, ज्यादा लंबी नहीं खींचनी है। सर जैसे कि हम एग्जाम देते हैं और मतलब कुछ क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं और कुछ लोग आपस में एक दूसरे का कॉपी करते हैं, तो हमें मतलब जैसे भी हमें आ रहा है मतलब, और मेरे अंदर जैसे कितना भी एग्जाम दिया लेकिन मुझे खुद पर ही भरोसा है कि मुझे जैसा भी आता है, जितना भी आता है, मैं अपना खुद का ही करूंगी, किसी का मतलब कॉपी नहीं करना मुझे। मतलब ये भी एक प्रकार से चोरी है या अस्ते ही हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया, मैं इस चीज का खुद अपना उदाहरण हूँ। आज तक कभी मैंने वर्ड्स की भी नकल नहीं मारी है, उसके बावजूद भी क्लास में हमेशा टॉपर रहा हूँ। तो होता है जब हम चोरी नहीं करते तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम नकल नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ में थी कोविड पीरियड में किताबें, हमारे हाथ में थी, उसके बावजूद भी हमने एक वर्ड भी किताब से नहीं देखा और उसके बावजूद भी हम क्लास में टॉप रहे। तो यही है सर्व रत्न उपस्थानम, बाकी के रत्न जरूरी नहीं होता, जो रत्न पैसे ही हो वो रत्न उपलब्धियां भी होती है। ठीक है सर, इसमें तो फेमस स्टोरी है अलीबाबा 40 चोर वाली। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अस्ते ब्रह्मचर्य के ऊपर आते हैं। वेरी गुड साक्षी जी ने काफी अच्छा मैसेज किया हुआ, मैं भारत का। चलिए अब जितेंद्र जी, जी जितेंद्र जी आ जाओ सामने। कैमरा नहीं खोलते हो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, कैमरा खोल दिया करो बस। लो गुरुजी कैमरा लो। जी बोलिए। ब्रह्मचर्य के ऊपर जी, मैं ऋषि दयानंद की पढ़ी थी मैंने एक स्टोरी, कि वो एक गांव से जा रहे थे तो वहां पे एक पहलवान था बहुत बड़ा, तो औरतें पानी लेने आती थी तो पानी वो औरतें तभी ले पाती थी जब उस पानी में से एक पहलवान था, वो खींचता था पानी और वो भरता था उनके बर्तन, तब वो लेके जाती थी। एक दिन वो पहलवान अपना कहीं बिजी था, औरतें आई उनको पहलवान दिखा नहीं, वो वेट करती रही। तो महर्षि दयानंद जी वहां से जा रहे थे, उन्होंने उनका पानी भर दिया, वो चली गई जी पानी लेके। रस्ते में वो पहलवान आ रहा था, उसने देखा भी औरतें अकेली कैसे पानी भर गई, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई संत है वहां पे, उन्होंने पानी खींच दिया। पहलवान को थोड़ा सा अपने ऊपर ईगो था कि भाई मैं ही खींच सकता हूँ पूरे गाँव में और किसी के बस की बात नहीं,
तो जैसे ही उन्होंने देखा स्वामी दयानंद जी वहां पे नहाने लग रहे थे, तो वो आए ही बोले कि तेरी हिम्मत कैसे, उनको भला बुरा कहा जो भी कहना था। तो दयानंद जी ने उनसे माफी मांगी, तो वो बोले नहीं नहीं आपको हारना पड़ेगा मेरे से। तो दयानंद जी बोले ठीक है जी ये मेरा लंगोट है। उन्होंने निचोड़ के दे दिया उसको कि आप इसमें से दो बूंद पानी के निकाल के निचोड़ के दिखा दो, मैं हार मान लूंगा। तो उन पहलवान ने पूरा जोर लगाया जी, उनसे निचोड़ा नहीं, उनसे कोई एक भी बूंद नहीं निकली। फिर महर्षि दयानंद जी ने उनको दोबारा निचोड़ा, उसमें से कुछ और बूंदे निकली। तो ये ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ब्रह्मचर्य के तो बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। ओके ओके महेश जी, आगे बढ़ते हैं ब्रह्मचर्य के बाद में अप्रिग्रह का कोई एक उदाहरण। यस, एंडिज करो अप्रिग्रह। पंकज जी, नए लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हो? आप हाथ उठाया करो, फिर मैं सिलेक्ट करूंगा ना। यस पंकज जी, आप सामने आओ अप्रिग्रह। सर मुझे पता था इसलिए मैंने आगे नीचे नहीं गिराया। आप बताना चाह रहे हो या नहीं बताना चाह रहे? गलती से उठ गया शायद आपको। हाँ प्रियंका जी का उठा भी अपनी मर्जी से। जी प्रियंका जी। सर पता नहीं इसमें ये फिट बैठता है कि नहीं, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे 30 स्टूडेंट पर स्टूडेंट स्कूल्स में मतलब लेना चाहिए क्लास में, लेकिन उसमें कई बार ज्यादा स्टूडेंट्स को भी भर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स पर मतलब टीचर्स अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये कह सकते हैं हम क्या इसे कि आवश्यकता से अधिक मतलब उन्होंने इसका यूज किया से? देखो मैं बता, इसी चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से एलिबरेट करता हूँ। यहाँ पे खाली पूर्व जन्म नहीं है, पहले की स्मृति से भी उदाहरण से आप समझिए, उनकी स्मृति बहुत अच्छी हो जाए, इसका मतलब ये है जन्म कथनता संबोध है। पहले उनके साथ जो हुआ उनको सब चीजें याद रहती है, आप लोग भूल गए आपके बचपन में क्या हुई है। इसीलिए बोलते हैं कि आप IAS की तैयारी कर रहे हो, IPS की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, योगा की तैयारी कर रहे हो, PhD कर रहे हो, एक टाइम में एक चीज करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपकी वो मेमोरी अच्छी बन पाएगी। और जो एक चीज करते हैं वो हमेशा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं, और जो बहुत सारी चीजें करते हैं और वो कहीं के नहीं रह पाते, थोड़े टाइम के लिए अच्छा होता है लेकिन वो लंबे घोड़े नहीं बन पाते कभी भी। जैसे 100 मीटर दौड़ना है, 200 मीटर दौड़ना है, 500 मीटर दौड़ना, हम लोगों के लिए तो समान है, लेकिन जो एक्चुअल में जो मैराथन होते हैं वो 100 तो सिर्फ 100, वो 200 नहीं होता उनके लिए, और जो 500 का तो 500, उनके लिए 400 नहीं होता। तो एक फोकस होकर के तो क्या होता है कि पहले की पूरी स्मृति उनको याद रहती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अप्रिग्रह हो गया। एक्स्ट्रा चीजें में ज्यादा एफर्ट नहीं डालना, एक चीज पे फोकस करना, प्रे करें। ओके आगे बढ़ रहे हैं। सोच, सोच को कौन समझाएगा? हैंडेज करो, सोच हैंडेज करो। बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, टाइम ज्यादा हो गया क्या? बच्चे कम हो गए क्लास में। ओ तेरी 44, डाइट की क्लास है आपकी आज भैया? हाँ क्लास है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बीच में। ओ हो, बिल्कुल सही जी। चलिए जी हम क्लास को ये ओवर करते हैं। मैं बिल्कुल मजे में ले गया आज की क्लास को, इतना मजा आ रहा था। तो शांति पाठ करते हैं। चलिए साक्षी जी आप ही शांति पाठ कराइए और क्लास को ओवर कीजिए। ठीक है ठीक है, सभी सीधे बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, एक दो लंबी खरी श्वास भरे, लंबी खरी श्वास छोड़े। यहीं से हम सत्र को पूर्ण करते हुए एक साथ एक बार मंत्र उच्चारण करेंगे। सभी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभावेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इसे धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें, हथेलियों कटोरी नुमा आकार बनाकर आंखों के ऊपर रख दें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए, जमीन को देखते हुए कुछ पल के झपकाएं, आंखें खोल दें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू भैया, हरिओम। नमस्ते जी, वेलकम जी, सॉरी आपका ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आज। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं टॉपिक में घुस जाता हूँ।